लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने आज गंगा में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य की आराधना की, तो वहीं दूसरी तरफ छठ को लेकर किसी भी भक्तों को तकलीफ ना हो इसको लेकर कई पूजा समितियों के द्वारा पूजा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव, बीजेपी के विधायक नितिन नवीन और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार पूजा सामग्री का वितरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से श्रद्धालुओं को लाइन में लगाकर पूजा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। लोक आस्था का महान पर्व छठ प्रारंभ हो गया है और मुझे खुशी है अजय गुप्ता जी के तत्वाधान में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रोनियार वैश्य महासभा के तत्वाधान में, और आज छठ व्रतियों को पूजा सामग्री वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर हम भगवान भास्कर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। उनका सपना है आत्मनिर्भर बिहार, वो आत्मनिर्भर बिहार के को आगे ले जाने के लिए और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो लोग का सपना साकार करने के लिए भगवान भास्कर से प्रार्थना करेंगे और सबों से अपील करें सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और मास्क का प्रयोग करते हुए और छठ जो पवित्र महान पर्व है उसको आप मनाएं। यही हमारी सबसे आम जनता से अपील। यहाँ पर छठ जो लोक आस्था का पर्व है उसका प्रथम चरण का आज नहाय खाए का दिन है। मैं बिहारवासी और देशवासियों को छठ पर्व के इस महान पर्व पर शुभकामना व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय बिहार रोनियार वैश्य महासभा का और उसके कर्ता धर्ता अजय गुप्ता जी का, जो हर साल छठवर्तियों के लिए इसी तरह से सूप साड़ी और प्रसाद का वितरण करते रहे हैं और पुनः आज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पटना में जोर शोर से तैयारी चल रही है। मैं कल दिन भर कई घाटों का मुआयना किया, मगर चिंता का विषय ये है कि कई वार्ड पार्षदों ने आज मुझे संपर्क करके ये कहा कि जो सहयोग पटना नगर निगम से मिलना चाहिए पर्याप्त वो नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। चिंता का विषय है।